राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी। आपके पूर्व विधायक संदीप कुमार ने यह याचिका लगाई थी, इसे लेकर कोर्ट ने बुधवार को उन्हें फटकार लगाई। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम इस मामले में पहले ही अपनी राय दे चुके हैं कि उपराज्यपाल फैसला करेंगे। इसके बावजूद उसी मुद्दे को बार बार कोर्ट में लाकर याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहे हैं। कोर्ट ने कहा, यह जेम्स बॉन्ड फिल्म की तरह नहीं है जहां हम सीक्वल बनाएंगे, आप हमें राजनीतिक जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि रोज रोज आने वाली याचिकाओं को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। याचिकाकर्ता का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के कारण केजरीवाल सीएम पद संभालने के लिए योग्य नहीं है, यह संविधान के खिलाफ है। उनके वकील ने कहा कि अगर कोर्ट कुछ नहीं करेगा तो वे कहां जाएंगे। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा, आप याचिकाकर्ता यहाँ राजनीतिक भाषण मत दीजिए, सड़क पर जाइए और वहां भाषण दीजिए, आप नेता हैं, आपको राजनीति करना पसंद होगा लेकिन हमें इसमें शामिल नहीं होना, हम राजनीति से दूर रहते हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ, धन्यवाद।